जैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रशांत सोनी JBBNL में दोस्तों। और मैं प्रशांत सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ में मेरा साथ दे रहे हैं पवन सर यहां पे दोस्तों। आज कल जैसे मैंने नोटिफिकेशन डाला था दोस्तों, लॉजिक गेट जो कि 12th फिजिक्स का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी, जैसे कि अपन चाहे बीटेक हो, आईटीआई लेवल हो या डिप्लोमा लेवल हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास में, तो चलिए उसको बहुत इजी तरीके से यार के कर देते हैं उसको फिनिश पहले अच्छे से। तो दोस्तों पहले तो क्या होते हैं, तीन तो अपने पास बेसिक, पहले अपने पास तीन बेसिक गेट होते हैं। छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, जैसे कि एंड गेट और गेट और नॉट गेट, ये तीन तो क्या होते हैं बेसिक गेट होते हैं। और एक होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, दो गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर, ठीक है। और सेकंड वाले थर्ड वाले पे होते हैं ड्राइव्ड प्रकार के गेट होते हैं, जो कि जिनकी संख्या क्या होती है दो होती है, जो कि एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर, ठीक है। टोटल मिला के अपन सात हैं, सातों को पढ़ेंगे अभी बेसिक कंसेप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बेसिक गेट है, बेसिक गेट की थोड़ी बहुत बेसिक गेट को अपन पढ़ते हैं ट्रिक के साथ में। तो पहला लेके चलते हैं अपन, जो पहला है वो है और गेट। दोस्तों देखिए ये खुद कह रहा है और, यानी कि और एक नहीं और भी है यहाँ पे रास्ते, एक रास्ता नहीं है और भी है रास्ते यहाँ पे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये दो या दो से अधिक रास्ते होते हैं, मतलब यानी कि कौन सा सर्किट बन रहा है इसमें, पैरेलल सर्किट बन रहा है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करते हैं इसकी बात चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो इसका देखिए ऐसे सिंबल ऐसे बनता है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से सिंबल बनता है इसका दोस्तों, इसका सिंबल ए प्लस बी दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, इसकी ट्रुथ टेबल अपन ट्रुथ टेबल बनाना चाहें दोस्तों, तो देखिए इससे पहले से सिंबल इसका ऐसे कुछ होता है, ये लैंप जोड़ दिया, इसके बाद में एक स्विच, फिर ये यानी कि दोस्तों ये लैंप है, यानी कि जब और गेट में क्या होता है, जब एक इनपुट उच्च होता है ना, जब एक इनपुट उच्च होता है तो अपन को आउटपुट भी उच्च प्राप्त होता है, ऐसा और गेट की कंडीशन में होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या रास्ते, अगर ये रास्ता बंद है, अगर ये रास्ता खुला हुआ है तो यहाँ से चली जाएगी, इसको बंद कर देंगे, अगर ये खुला हुआ है इसको बंद कर देंगे तो करंट पूरा सर्किट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों ही खुले हों उस कंडीशन फ्लो नहीं होती है, लेकिन जब एक इनपुट अगर उच्च प्राप्त होता है अपन को, जब पैरेलल सर्किट है अगर एक इनपुट अपन को उच्च प्राप्त होता है तो आउटपुट भी अपन को उच्च प्राप्त होगा, ऐसी कंडीशन और गेट के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसका ये सिंबल होता है, ये इसका बुलियन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अपन एंड गेट, सिंबल होता है एंड गेट, जो खुद कह रहा है एंड, एंड मतलब जैसे अपन बोलते हैं यू एंड मी, यानी खुद कह रहा है कि केवल एक ही, तो केवल एक रास्ता होता है करंट का, वो कौन सा सर्किट होता है दोस्तों, कौन सा सर्किट होता है वो होता है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में ये ये स्विच लग गया और एक ये स्विच लग गया, एंड देन ये कोई बल्ब या कुछ भी है ये जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, मान चलो ये जोड़ दिया। अब दोस्तों क्या होता है, अगर यहाँ से जैसे अपन ये बंद कर दिया लेकिन ये चालू है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ओपन है, यानी कि दोनों ही सर्किट क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए ये। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें जब एक आउटपुट, जो एक इनपुट है वो लो है, अगर एक इनपुट है वो लो है तो आउटपुट भी अपन को लो प्राप्त होगा। लो का मतलब होता है कि सर्किट का ओपन होना, ये सर्किट यहाँ से ओपन है तो उस अपन को जो आउटपुट में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि सर्किट ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा सर्किट है, ये सीरीज सर्किट के अंतर्गत आ रहा है। एंड मी खुद कह रहा है कि एंड मी केवल एक ही रास्ता है मेरा, ठीक है दोस्तों। नॉट गेट कुछ नहीं होता, ये केवल ऐसा होता है जिसमें एक आउटपुट और एक इनपुट होता है। नॉट गेट में नॉट गेट क्या करता है, कोई संख्या आती है, एक आती है तो उसका जीरो कर देता है, जीरो आती है उसका एक कर देता है, इन्वर्ट कर देता है उस संख्या को, ये परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल एक आउटपुट और एक इनपुट होता है दोस्तों, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे ये तो y बराबर a0।
ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी कोई भी वो इनपुट आता है उसको रिवर्ट करके देता है, ठीक है, एक आउटपुट होता है और एक इनपुट होता है, खुद कह रहा है वो, नॉट गेट, मैं गेट ही नहीं हूँ, और गेट नहीं तो उल्टा करके देगा वो, तो और गेट होता है, और गेट, और यानी कि और सारी संभावना है, एंड एंड मी केवल एक ही संभावना है उसमें, शायद एंड गेट का देखिए सिंबल ऐसे होता है कुछ डी डी टाइप में होता है, ठीक है, ये और बुलियन प्रिंट में ऐसे होता है इसका ए डॉट बी, शायद मैं लिखाना भूल गया उसमें, तो ये इसका होता है एंड गेट का, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं आपके जो यूनिवर्सल गेट हैं उनकी चर्चा, दो गेट होते हैं नेंड और नॉट, और दोस्तों यूनिवर्सल होते हैं ये, यूनिवर्सल मान के चलो, देखो नेंड और नॉट इसको कैसे याद करेंगे, देखो नेंड यानी कि हम जो शादियों में होती है ना, जो वाइफ की जो मतलब जो होती है नंद बोलते हैं उसको गांव में, जो नंद होती है रिलेशन में होती है, एक होता है नौर, नौर मतलब जो अपने गांव की भाषा में नमक को नॉन बोलते हैं, तो नंद और नौर ये क्या होती है, ये हर जगह मिल सकती हैं, हर जगह मिलती हैं, नमक आप खाते हो घर में रिलेशन में होती है, नंद होती है, तो ये नेंड और नौर ये दोनों ही यूनिवर्सल है जो पूरे ब्रह्मांड में मिलती है, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है इशू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेंड गेट स्टार्ट करते हैं अपन। नेंड गेट में क्या होता है, पहले उसका सिंबल जान लेते हैं अपन, ये ऐसे करके फिर आगे से, तो देखिए नेंड गेट खुद कह रहा है एंड प्लस नॉट, ठीक है, इसी से बनाना सीखिए, ये कह रहा है एंड प्लस नॉट। अपन ने एंड गेट में क्या पढ़ा था, एंड गेट में अपन ने पढ़ा था कि जब एक इनपुट अगर लो है तो आउटपुट अपन को लो प्राप्त होगा, जब एक जो इनपुट है वो अपन ने दिया है अगर वो उसमें से एक इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो प्राप्त होगा, लेकिन अब इसमें नॉट आ गया है, नॉट आ गया तो नॉट क्या कह रहा है कि इसको रिवर्ट करेगा, मतलब अगर उसमें एक इनपुट लो था तो ये लो को क्या करके देगा, हाई करके देगा ये, तो अपन इसमें क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें, एक अगर इनपुट लो है तो आउटपुट लो प्राप्त होगा, लेकिन अब नॉट जुड़ गया है तो हम कहेंगे अगर एक इनपुट लो है, एक इनपुट लो है तो आउटपुट अपन को उच्च प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, नॉट गेट जो क्या करता है रिवर्ट करके देता है, उसको चेंज करके देता है, जीरो को एक और एक को जीरो करके देता है, तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था कि एंड गेट में अगर एक इनपुट लो है तो आउटपुट लो प्राप्त होता है, जो लो प्राप्त हो रहा है तो फिर इनपुट नॉट गेट के पास जाएगा, नॉट गेट क्या करेगा उसको जो लो को हाई करके देगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते अपन, नेक्स्ट है अपना नॉट गेट कैसे संयोग से बनकर बना है, नॉट प्लस और गेट। अपन ने और गेट में दोस्तों क्या पढ़ा था, और गेट में अपन ने पढ़ा था और गेट क्या होता है, समांतर वाला होता है, अगर एक इनपुट अगर अपन का हाई है तो आउटपुट अपन को हाई प्राप्त होता है, लेकिन अब क्या जुड़ गया, नॉट जुड़ गया, अगर एक इनपुट अगर हाई है अब किसके पास जाएगा वो, अब इसके पास जाएगा नॉट गेट के पास, नॉट गेट क्या करेगा उसको रिवर्ट करके देगा, और गेट में एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब नॉट गेट के पास पहुंचते ही एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो प्राप्त होगा अपन को, ऐसी कंडीशन किस में आती है, नॉट गेट के अंतर्गत आती है, ये इसका सिंबल होता है इसका। दोस्तों पहला अपन लेके चलते हैं, ये ड्राइव्ड गेट होता है, ये थोड़ा ड्राइव्ड गेट होता है, ठीक है। अब एक्स और एक होता है एक्स नॉट, ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए पहले अच्छे से। अब आप मेरे को ये बताइए, देखो ई एक्स ओ आर कितने वर्ड बन रहे हैं, चार, ई एक्स एन ओ आर कितने वर्ड बन रहे हैं, पांच, मतलब अपन कह सकते हैं कि एक्स और गेट में जब इनपुट दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट कैसा प्राप्त होता है, लो प्राप्त होता है, क्यों, देखो एक दोनों ही इनपुट दोनों के बराबर होने पर एक तो हाई देता है एक लो देता है, कंडीशन दोनों में सेम रहती है, दोनों ही इनपुट क्या होते हैं इसके हाई होते हैं, तो एक हाई देता है एक लो देता है आउटपुट में। अब कैसे पहचानें कौन सा हाई देता है कौन सा लो देता है, तो इसमें वर्ड होते हैं चार, इसमें होते हैं पांच, ये कम वैल्यू का है, ये ज्यादा वैल्यू का है, इसमें फाइव बढ़ा रहे हैं तो ये ज्यादा वैल्यू का है, ये वाला ज्यादा वैल्यू का है, ये कम वैल्यू का है, तो अपन क्या करते हैं एक्स और गेट जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट में लो प्राप्त होता है, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें चार बढ़ आ रहे हैं तो लो प्राप्त हो रहा है,
अगर अगर बात करते एक्स नॉर्म तो 5 वर्ड आ रहे हैं इसमें, 5 वर्ड आ रहे हैं इसमें, तो दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट उच्च ही प्राप्त होता है दोस्तों। इसमें लो प्राप्त होता है, इसमें 4 वर्ड आते हैं, इसमें 5, क्योंकि ये वैल्यू इसकी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, और नेक्स्ट टॉपिक बताइए किस टॉपिक पे लाना है। ठीक है, अभी मैंने देखो पूरा कॉन्सेप्ट बस ठीक है आपको याद करवाया है मैंने वीडियो, उसमें नहीं इसमें कॉन्सेप्ट टेबल ट्रुथ टेबल होती है और भी चीज़ें होती हैं, अगर आप कहें तो मैं उस पर भी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेके आना है उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।